नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कोलकाता के आर जी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को सीबीआई ने सोमवार को गिरफ्तार किया था। इसके बाद मंगलवार को घोष को अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान लोग उनके खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच एक प्रदर्शनकारी ने घोष को जोरदार थप्पड़ मार दिया। इसके साथ ही भीड़ ने चोर चोर के नारे भी लगाए। जब संदीप घोष को अलीपुर कोर्ट ले जाया गया, उस वक्त कई वकीलों ने विरोध किया था। कोर्ट के बाहर कई लोग संदीप घोष को फांसी देने की मांग कर रहे थे। उस समय कोर्ट परिसर में सुरक्षा गार्डों की संख्या कम थी। संदीप घोष को अदालत में ले जाने के लिए सुरक्षा गार्डों को कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ी। मौजूदा हालातों को देखते हुए और भीड़ को काबू करने के लिए अधिक बल बुलाया गया। इसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच संदीप घोष को कोर्ट परिसर में ले जाया गया। वहां प्रदर्शनकारियों की भीड़ थी। जब उन्हें बाहर निकाला जा रहा था तो एक प्रदर्शनकारी ने संदीप को जोरदार थप्पड़ मार दिया। 9 अगस्त की इस घटना के बाद से लगातार देश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आनंद फानंद में अस्पताल ने एक्शन लेते हुए हॉस्पिटल के अधीक्षक को हटा दिया गया, लेकिन संदीप पद पर बना रहा। कुछ दिन बाद उसे ट्रांसफर कर नेशनल मेडिकल कॉलेज में नियुक्त कर दिया गया था। हालांकि लगातार विरोध के चलते उसे वहां से हटा भी दिया गया था। उसे सोमवार को सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके बाद मंगलवार को ममता सरकार ने एक्शन लेते हुए संदीप घोष को सस्पेंड कर दिया है। संदीप घोष की गिरफ्तारी उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद हुई। सीबीआई ने संदीप घोष के साथ साथ दो वेंडर विप्लव सिन्हा और सुमन हजारा को भी गिरफ्तार किया है। इसके अलावा संदीप घोष के खासम खास और आरजी कर मेडिकल कॉलेज के एडिशनल सिक्योरिटी इंचार्ज अफसर अली को भी गिरफ्तार किया गया है। अदालत ने संदीप को 8 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। लगातार खबरों पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द हेडलाइंस।